मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको HDPE पाइप में जो बंडल बन के आता है, ये बंडल का रेडियस कितना होना चाहिए, इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अलग अलग HDR पाइप के लिए ये बंडल का जो रेडियस है, बंडल का जो डायमीटर है, अलग अलग होता है। HDR, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले एक वीडियो में बताया आपको, स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो, पाइप का आउटर डायमीटर डिवाइड बाई मिनिमम वॉल थिकनेस, इसी को HDR बोलते हैं। तो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, HDR 9 तक के पाइप के लिए जो ये बंडल का रेडियस होगा, पाइप के डायमीटर का 10 गुना होगा। इसी तरह HDR 9 से लेकर के HDR 13.6 तक के पाइप के लिए पाइप के बंडल का जो रेडियस होगा, वो पाइप के डायमीटर का 13 गुना होगा, 13 गुना। इसी प्रकार HDR 13.6 से लेकर के HDR 21 तक के पाइप के लिए ये बंडल का डायमीटर, कॉइल का डायमीटर जो होगा, वो पाइप के डायमीटर का 17 गुना। HDR 21 से ज़्यादा के पाइप के लिए जो बंडल है, जो कॉइल है, उसका रेडियस पाइप के डायमीटर का 20 गुना होगा, 20 times होगा। तो इस तरह मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको ये जो कंपनी से कॉइल बन करके ऐसे आते हैं HDPE पाइप के, उसका कितना रेडियस होना चाहिए, उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चैनल में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।